गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन आवर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 एंड टुडे वी डू आवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केव पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर्स। कि जो केव पेंटिंग्स थी और जो रॉक शेल्टर मतलब होता है घर, कि रॉक शेल्टर्स जो थे, जो पुराने टाइम के लोग रॉक्स के घरों में रहते थे, उनकी क्या विशेषताएं थी। द केव पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ प्रीहिस्टोरिक मैन। कि जो केव पेंटिंग हैं और रॉक शेल्टर्स हैं वो हमें साक्ष्य प्रदान करते हैं। एविडेंस का मतलब होता है सबूत देना कि प्रीहिस्टोरिक मैन की क्या जीवन पद्धति थी, लाइफस्टाइल थी। दीज पेंटिंग्स डेपिक्ट हंटिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। और इन पेंटिंग्स की जो थीम होती थी, इनका उद्देश्य होता था, वो क्या होता था, शिकार करना, मान्यताएं और सेरेमनीज। भीमबेटका इन एमपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक शेल्टर। जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, वो एक एग्जाम्पल है रॉक शेल्टर का। द रॉक पेंटिंग एंड ड्रॉइंग हैज फाउंड इन इट। और इन रॉक शेल्टर के अंदर क्या होता था कि इन रॉक्स के ऊपर पेंटिंग की गई होती थी, ड्राइंग की गई होती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इम्पोर्टेंट थी केव पेंटिंग की और रॉक शेल्टर की, कि इन पेंटिंग से हमें ये पता लग जाता था कि उस टाइम के लोगों की क्या कल्चर था। उस टाइम के लोग वो चित्रकारी उन्हीं चीज़ों की करते थे जो उनके जीवन में, कि वो शिकार कैसे करते थे, वो क्या क्या, उनके शादियाँ कैसे होती थी, या वो देवी देवताओं की पूजा कैसे करते थे, किन देवी देवताओं की वो पूजा करते थे। तो इन सारे एग्जाम्पल्स से हमें पता लग जाता था, इन पेंटिंग्स से हमें पता लग जाता है कि उस टाइम के लोग किस तरीके की जीवन शैली को अपनाए हुए थे। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ वॉज फायर यूजफुल टू अर्ली ह्यूमन। कि आग जो पुराने लोग थे उनके लिए कैसे यूजफुल थी, उपयोगी थी। द डिस्कवरी ऑफ कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर, कि जो आग की खोज की, तो मस्ट हैव फैसिलिटेटेड कुकिंग। कि खाना जो वो कच्चा खाते थे, अब वो उसको पका के खाने लगे। फायर प्रोटेक्टेड अर्ली मैन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और जो आग थी वो अर्ली मैन को जंगली जानवरों से भी बचाने में मदद करती थी। इट सेव्ड मैन फ्रॉम द हार्श विंटर ऑफ आइस एज। और जो आइस एज के अंदर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती थी, सर्दी पड़ती थी, तो उसकी उससे भी वो मानव को सेव करती थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड आवर केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये एक केस स्टडी है हंसी वैली की। आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर उस टाइम के जो पूरा हंसी में जो घर बने हुए थे, उनका पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, हंसी वैली इज ए प्रीहिस्टोरिक साइट विच इज लोकेटेड इन डेक्कन इन कर्नाटका, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट। कि हंसी वैली कहाँ स्थित थी, कर्नाटका में, जो दक्कन का पठार है वहाँ पे, कर्नाटका में गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित थी। द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स एज हंसी हैड लेड आर्कोलॉजिस्ट टू कंक्लूड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड देयर। कि यहाँ पे बहुत सारे हथियार मिले थे, स्टोन टूल्स मिले थे, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे पहले बहुत सारे लोग रहते थे। और हंसी जो थी, यहाँ पे खोज करने पे क्या मिला, 15,000 से भी ज़्यादा टूल्स, स्टोन टूल्स मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि ये एक फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे हथियारों को बनाया जाता था। ठीक है, नाउ दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट द स्टोन एज। कि हम अब स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन दैट इट मस्ट हैव बीन हार्ड फॉर मैन। कि मतलब कि हम स्टोन एज के बारे में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हमने स्टोन एज के बारे में तो पढ़ा है कि किस तरीके से पहले कमज़ोर हथियार थे, फिर उनको और शार्प किया गया, फिर उनको और शार्प करके आज के जो न्यूली हथियार, मतलब कि जो न्योलिथिक टाइम के वो सबसे डेवलप्ड हथियार थे। ठीक है, और जो नियोलिथिक एज के अंदर मानव ने कल्टीवेशन स्टार्ट की, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की, परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगा, तो इन्हीं सब के कारण नियोलिथिक रिवोल्यूशन आई, जो हमने क्वेश्चन में भी किया है। नाउ वी फिल आवर मैप।
बेटा आपको दो मैप लेने हैं, एक पॉलिटिकल मैप लेना है और एक फिजिकल मैप लेना है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप मैप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको फिर उसमें क्या भरना है, जो आपका फिजिकल मैप होगा उसके अंदर आपको रिवर्स भरनी है। जैसे देखो ये क्या है, नर्मदा रिवर है, ठीक है, ये फिर तापी रिवर है, ये गोदावरी रिवर है, ये महानदी है, ये सोन है, और ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये गंगा है, ये इधर से ब्रह्मपुत्र है, आपको मेन मेन नदियां भरनी है, ये यमुना है, ये रावी, चिनाब, झेलम, इंडस, सतलुज, ठीक है। ये रिवर्स आपको 10 रिवर्स, कोई भी 10 रिवर्स आप अपने मैप में बुक की मदद से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो आप जो पॉलिटिकल मैप लोगे उसमें आपको ये भरना है कि बुरजोम, ये कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जो आपको अपने मैप में फिल करनी है, भीमबेटका, चिरंड, दाउजली हेडिंग, इनमगोन, होलूर और ब्रह्मगिरी। आपको ये जो मैंने बताई हैं लोकेशंस, ये दोनों ही चीजें आपको एक पॉलिटिकल मैप में और एक फिजिकल मैप में भरनी है। जो रिवर्स हैं वो आपको फिजिकल मैप में भरनी है, ठीक है, और जो ये लोकेशंस हैं ये आपको पॉलिटिकल मैप में भरनी है। अगर आपके पास मैप अवेलेबल नहीं है आप मैप ड्रॉ भी कर सकते हो, और अगर आपके पास मैप की स्टेंसिल है तो आप उसको बना भी सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द केस स्टडी एंड द मैप वेरी वेल। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 6 समास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इसमें समास किसे कहते हैं, इसमें कितने पद होते हैं, समास की परिभाषा और इसमें कितने पद होते हैं। तो समास है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और इसमें कितने पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। एक बार फिर से, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। दूसरा प्रश्न है आपका, समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक एक उदाहरण। तो समास है उसके 6 भेद हैं, अव्यवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास और बहुव्री समास। इनके उदाहरण है अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद क्या है, अव्यय, तो आजीवन, या इसका विग्रह होगा जीवन भर। तत्पुरुष समास, इसका समास है राजपुत्र, विग्रह होगा राजा का पुत्र। द्विगु समास, जिसमें पहला पद हो संख्यावाची, चौराहा, चार राहों का समाहार। द्वंद्व समास, रात दिन, रात और दिन। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष बताया जाता है, जिसमें नीलकमल, नीला है जो कमल। बहुव्री समास, नीलकंठ यानी तीसरे पद की विशेषता, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिवजी, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिवजी। तीसरा प्रश्न है आपका, तत्पुरुष समास की क्या पहचान है और दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे, इसके दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा तथा समस्त समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास है उसकी क्या विशेषता है कि एक तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, क्या पहचान है इसकी, तथा समस्त पद जब हम बनाते हैं तो कारक की चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, तब हमने इसका समास बनाया तो इसका का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, राजपुत्र। ऐसे ही घोड़े पर सवार, तो पर का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, घुड़ सवार। चौथा है, कर्मधारय समास में दोनों पदों में किस किस प्रकार का संबंध होता है। जो कर्मधारय समास है, सभी समासों में दो पद होते हैं, तो कर्मधारय समास है इसके अंदर किस प्रकार से दो पदों में संबंध होता है। तो कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, सॉरी पांचवा, द्विगु समास की क्या विशेषता होती है, दो उदाहरण दीजिए। द्विगु समास की क्या विशेषता है, तो द्विगु समास की विशेषता है कि इसका पहला पद है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है।
द्विगु समास का पहला पद है वो संख्यावाची होता है। उदाहरण है जैसे चौराहा चार राहों का समाहार, नवरत्न नौ रत्नों का समाहार, ये क्या है इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट छठा, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में सौ उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में अंतर बताना है। तो बहुव्रीहि समास में क्या है, बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत होता है, जो समास में दो पद होते हैं उन दोनों को ही छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर संकेत होता है, वो तो है आपका बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। तथा कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का मेल होता है, और कर्मधारय समास में क्या होगा, विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का मेल होता है। उदाहरण के रूप में ये दोनों ही उदाहरण किसके हैं, बहुव्रीहि के भी हो सकते हैं और कर्मधारय के भी। इनका जिस प्रकार से हम विग्रह करेंगे उसी के आधार पर ये किसके अंग बन जाएंगे, यानी उसी का उदाहरण हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा उदर यानी पेट की विशेषता क्या बता दी कि वो कैसा है, लंबा है, इसलिए ये हो गया कर्मधारय समास। और लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो क्योंकि हमने यहाँ तीसरे पद की ओर ध्यान दिया है, तीसरे पद की ओर संकेत किया, इसलिए इसको कहेंगे हम बहुव्रीहि समास। तो आगे समझ में कि लंबोदर लंबा पेट, पेट की विशेषता बता इसलिए कर्मधारय, और क्योंकि यहाँ तीसरे पद की ओर संकेत किया यानी गणेश जी की, तो इसलिए हो गया आपका बहुव्रीहि समास। तो आपको ये छह प्रश्न उत्तर नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अवर चैप्टर नंबर 15 विच इज वाटर फॉर क्लास 6। इन अवर प्रीवियस वीडियो क्लास वी स्टडी अबाउट वाटर, हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इज कवर्ड बाय अ सरफेस, हाउ मच वाटर परसेंट इन्वॉल्व इन पोर्टेबल वाटर और अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, हाउ वाटर वी कैन ऑब्टेन अनदर थिंग। सो वी स्टडी दैट 97% ऑफ वाटर इज कवर्ड और ऑब्टेन बाय सी और ओशन, ओनली 1% ऑफ वाटर विच इज पोर्टेबल इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर। अब क्या कह रहे हैं, 1% जो पानी हम पीते हैं, जो पीने लायक है, वो हम ग्राउंड वाटर से लेते हैं, ठीक है, और जो 97% वाटर है वो ओशन समुंदर में है, जो कि क्या है, साल्टी होता है, नमकीन होता है, हम उससे क्या कंज्यूम नहीं कर सकते उस वाटर को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो और टूडेज वीडियो वी स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, किस लिए ज़रूरी होते हैं वो। सो स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर, वाटर प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब क्या कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको वाटर की ज़रूरत है, नीड है, और जो वाटर है वो क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका लार्ज प्रोसेस में, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। जैसे आपकी लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ी है, लाइफ प्रोसेस के बाद आपकी रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन और मेंटेनेंस, ये सब है, ये आपकी लाइफ प्रोसेस है। तो अब इस आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो पानी है बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, बिना वाटर के क्या है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हमें देखा है क्यों, क्योंकि जो 70% ऑफ जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, वाटर से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। तो क्या कह रहे हैं, जो 70% आपका बॉडी वेट है वो क्या है, वाटर से मिलकर बना होता है, पानी से मिलकर बना होता है। सो हम ये बोल सकते हैं, जो वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट प्रेजेंट इन आवर फूड गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर सो दैट आवर बॉडी एब्जॉर्ब्स देम ईजिली। अब क्या कह रहे हैं, जो आपका वाटर है गुड सॉल्वेंट है, मतलब वाटर सॉल्वेंट का मतलब ईजिली अपने अंदर किसी को डिसॉल्व कर लेता है सोल्यूट को, जैसे आपकी शुगर है, नमक है, ईजिली पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट, जो न्यूट्रिएंट्स और साल्ट होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो पानी के अंदर ईजिली डिजोल्व घुल जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को किसकी जो जो हमारी बॉडी है वो इसको न्यूट्रिएंट्स और साल्ट को ईजिली अब्जॉर्ब कर सके, सोख सके, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो वाटर है ज़रूर जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, वाटर डिजोल्व वेस्ट मटीरियल्स ऑफ बॉडी विच आर रिमूव्ड एज यूरिन, जो आपके यूरिन के थ्रू जो वाटर है वो वेस्ट मटेरियल, जो आपका वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, वो रिमूव करता है पानी, ठीक है। अब आपकी बॉडी में काफ़ी सारा वेस्ट होता है, वो आपके स्वीट के थ्रू या यूरिन के थ्रू है आपकी बॉडी से बाहर आता है, ठीक है।
नेक्स्ट है वाटर रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर बाय स्वीटिंग, जो हमारा स्वीटिंग होती है, पसीने आते हैं हमारे शरीर में, उसकी मदद से जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है, ठीक है। अब ये है हमारा स्वीट पसीना, कहते हैं अगर स्वीटनेस ना हो बॉडी में तो वो भी एक काइंड ऑफ डिजीज़ होती है, इसलिए स्वीटनेस आपके शरीर से पसीने का, स्वीट का बाहर आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमारा वाटर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को स्वीटनिंग से रेगुलेट करता है, इसकी मदद से रेगुलेट करता है। आल्सो वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए या सीड की जर्मिनेशन के लिए, बड़ा होने के लिए, सीड के जर्मिनेट करने के, जर्मिनेशन के लिए जो वाटर है बहुत ज़रूरी होता है। अब पता है जो सॉइल है न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेती है, लेकिन जो पानी है पानी ग्राउंड से लेती है, या फिर आप जप देख तो घर में जो पेड़ पौधे लगाते हैं उन्हें आपको खुद पानी देना पड़ता है, वाटर देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर सके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब क्या कह रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें भी आपका वाटर रिक्वायर होता है, आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो वाटर पानी है आप जो प्लांट के फूड को प्रिपेयर करने में फोटोसिंथेसिस के थ्रू हेल्प करता है। आल्सो वाटर डिजोल्व्स न्यूट्रिएंट इन द सॉइल दैट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट की रूट जड़ें होती हैं वो वाटर को इजिली एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इसके लिए जो न्यूट्रिएंट से वाटर है सोइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आपको पता है प्लांट्स में जितनी भी जड़ होती है वो इजिली क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को सोइल से एब्जॉर्ब करती है। अब जितने भी सोइल न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल है, प्लांट है, वो किससे एब्जॉर्ब करता है, सोइल से एब्जॉर्ब करता है, और ये वाटर है न्यूट्रिएंट्स में डिजोल्व हो जाता है सोइल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो रूट से वो प्लांट की वाटर को एब्जॉर्ब और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अदर यूजेस ऑफ वाटर आर, अब ये तो कुछ कॉमन इम्पोर्टेंस हो गई, कुछ और यूजेस, यहाँ पानी का यूजेस सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, पानी का यूज़ हर जगह होता है। वाटर क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के लिए, तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। अदर यूजेस है ड्रिंकिंग, पानी पी रहे हैं, कुकिंग, खाने में भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, आप नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, क्लीनिंग, सफाई कर रहे हैं, इन सब में क्या है वाटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इरीगेशन जैसे आप अपनी फसलों में पानी देते हैं, इरीगेशन पानी देते हैं अलग अलग, जैसे ट्यूबवेल के थ्रू या फिर अदर सोर्सेज के थ्रू, तो वो क्या सब आएगा इरीगेशन में, मतलब खेती के में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है अदर सोर्सेज से, हम उसे इरीगेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, पानी से बिजली बनाना, ठीक है। हाइड्रो मींस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, तो पानी से बिजली को बनाना हम किसकी मदद से कर सकते हैं, वाटर की मदद से ही कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट, मेडिसिनल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर का इस्तेमाल बहुत सारा, दवाइयों बनाने में, केमिकल्स बनाने में, जैसे आपका सैनिटाइज़र आप काफ़ी यूज़ हो रहा है, इसमें भी वाटर में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एक्सेट्रा। अब पानी, जैसे वाटर है, आपका समुद्र इतने विशाल जगह पे घेरा है, 3/4 कवर है ओशन आपके अर्थ का, तो अब इस समुद्र से ट्रांसपोर्ट, बोट या फिर आपकी याट है, जो भी है, शिप है, इनके थ्रू आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय वाटर के थ्रू, मतलब पानी के थ्रू, क्योंकि वो आपका है बाय रोड की बजाय जो बाय वाटर है कई कंट्रीज़ में है, ईज़िली आपको मतलब कम लेस टाइम कंज्यूम होता है, तो वाटर का अदर आपके सामान को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब सामान को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, योर टू डेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th ऑन पेज नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 4th इज मेंशन द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जो आपकी अर्थ है उस पर अलग अलग सोर्सेज कौन कौन से होंगे उनको बताना है। वेरियस सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर, जो अर्थ पे वेरियस सोर्स है वाटर के, होंगे ओशंस एंड सीज, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, इन सब से आप पानी ले सकते हैं अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, व्हाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन थ्रो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, जो थ्री फोर्थ है, 3/4 भाग है अर्थ सरफेस का वाटर को कवर किया है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी इसलिए हो रही है, देर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन थ्रो 3/4 ऑफ वाटर इज कवर्ड विद वाटर, बिकॉज पानी की कमी हो रही है, जबकि 3/4 पानी
ने अर्थ को कवर किया हुआ है, क्योंकि 97.5% ऑफ वाटर इज सी एंड ओशन वाटर। जो 97.5% पानी है वो समुद्र में है, ओशंस में है, इसलिए और दिस वाटर कैन नॉट यूज एट इट हाई सॉल्ट कंटेंट। अभी क्या कह रहा है, इस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाई सॉल्ट कंटेंट है, सबसे ज़्यादा नमक मिलता है, इसलिए इस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट, आई पी एम का यादव। टुडे आई टेल यू सम इंग्लिश स्पोकन वर्ड्स, क्लास 6 to 8। आवर फर्स्ट वर्ड इज शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत खूब, हाउ नाइस, जल्दी करो, हरी अप। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड इज प्रिय, ओह डियर, बेशक, ऑफ कोर्स, जरा सुनिए, जस्ट लिसन, सच, जैसे कोई हैरानी से बोलते हैं सच, दैट्स रियली, ईश्वर को धन्यवाद, थैंक गॉड, हे भगवान, ओ माय गॉड या माय गॉड, चाहे जो हो, कम वक्त में, स्वागत है, वेलकम, जब आपके घर कोई आता है तो आप बोलते हैं वेलकम, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, ओके, रुको, स्टॉप, किसी की कोई खुशी का माहौल होता है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना, बधाई हो। डियर स्टूडेंट, ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली रूटीन, आई होप यू यूज दीज वर्ड इन योर डेली रूटीन, थैंक यू। स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर 6th क्लास एंड यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दैट इज ए एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, एंड यू कैन सी हाउ वी आर यूजिंग द with different rules and regulations. Yesterday we completed with the exercise A or an, filling the blanks is page number 46. Today we will start with the page number 47. And now see here, rules of using the definite article the. The हमारे लिए कहाँ use करते हैं, किसके लिए use करते हैं, we will see here. The is used when, first A, when we speak of a particular person or thing or one that has already been referred to. The is used with a particular person. जब हम किसी particular person के बारे में बात करते हैं, then we will say speak about a particular person. The जब हम किसी particular person के बारे में बात करते हैं, we will use the. For an example, look at the boy in the white shirt over there. जब हम boy, यानी कि हम particular boy के बारे में बात कर रहे हैं, then we will use the. I saw a bird in my garden yesterday. The bird had a long beak and a head that looked like it had been dipped in a bucket of red paint. यानी कि उसी बर्ड के बारे में बात हो रही है जो उसने yesterday, यानी कि कल उसने जो गार्डन में देखी थी, उसी बर्ड के बारे में, यानी कि पर्टिकुलर उसी बर्ड के बारे में बात हो रही है, then we will use the. With superlatives, यानी कि हमने अभी degrees के बारे में पढ़ा था, जब adjectives में जब हमने degrees के बारे में पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि the is used with the superlatives, यानी कि superlative degree के साथ हम the use करेंगे. You are the tallest girl in our school, class, sorry. Next is with a common noun, when that noun represents the whole class. जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं और किसी कॉमन नाउन के बारे में हम जब बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन नाउन को, देन वी विल यूज़ द. द कैट लव्स कंफर्ट. द वुल्फ इज नॉट रियली अ डेंजरस एनिमल. तो हम द वुल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, वो डेंजरस एनिमल नहीं होता.
नेक्स्ट इज डी विद ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक द विद द ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक बिकॉज दे आर ओनली वन. यूनिक मतलब होता है जो एक ही होता है, एक ही पीस होता है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं उनके लिए हम द यूज़ करते हैं. आप एग्जांपल में देख सकते हैं द मून इज़ शाइनिंग इन द स्काई. द मून, मून क्या है, एक ही पर्टिकुलर यूनिक चीज़ है, तो वी विल यूज़ द. द सन, सन भी एक ही है, वॉज जस्ट सेटिंग. नेक्स्ट इज विद वर्ड्स लाइक फर्स्ट लास्ट ओनली नेक्स्ट फॉलोइंग एंड प्रीवियस. इन वर्ड्स के साथ भी हम द यूज़ करेंगे. मेक श्योर दैट फर्स्ट लास्ट ओनली नेक्स्ट फॉलोइंग प्रीवियस, इनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, द. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दे हैड एवर मेट. As you see here, it was the first time they had ever met. Next is with before ordinals. Ordinals क्या होते हैं आपको पता है, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, any. For an example, the tournament starts on the 3rd of April. यानी कि third, 3 तारीख को start होगा third. Third year use कर रहे हैं, ये हमारे ordinal numbers हैं. और उनके साथ हम क्या use करेंगे, द. क्या यूज करेंगे, द. नेक्स्ट इज व्हेन वी स्पीक ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन. जब हम किसी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, किसी नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर नेशन के बारे में, देन वी विल यूज द. द जापानीज आर वार्म हार्टेड पीपल. द आयरिश लाइक टू डांस. जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पर्सन, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. यू सी रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स वी विल डिस्कस टुमारो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सी द एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एंड और द. टुमारो मॉर्निंग वी सेट सेल on Titanic. Tomorrow morning we set sail on the Titanic. क्योंकि particular के बारे में बात हो रही है, then we will use the. Dash employees of this company formed dash union. Union, a union आएगा क्योंकि इसमें स्वर की आवाज़ आ रही है. Next is an employees. Employees प्लूरल है, सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं, देन वी विल यूज़ द. लाइक दिस यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. दिस इज योर होमवर्क, फिलिंग द ब्लैंक्स. कैन आई टेक डैश ट्रम्पेट. यू सी ट्रम्पेट, ट यानी कि स्वर की आवाज़ नहीं आ रही, इसमें व्यंजन की आवाज़ आ रही है हमें, तो इसमें क्या जाएगा, अ ट्रम्पेट. डैश फोर्टीज was dash period of peace and harmony. It means 40s, plural hai. The 40s was a period, singular hai, a period of peace and harmony. Like this you will complete your exercise. आप जिस जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे द, द हमने पता था कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ, तो द यूज़ करेंगे. सी जब कहीं पे भी ए एंड यूज़ करना हो, जो उसके बाद जो वर्ड होता है उसको अच्छे से प्रोनंस करके देखेंगे, उसको अच्छे से बोल कर देखेंगे कि उसमें कैसी आवाज़ आ रही है, स्वर की आवाज़ आ रही है, यूनिक है, या फिर उसके अंदर व्यंजन की आवाज़ आ रही है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इन सब चीज़ों का बातों का ध्यान रखते हुए हम पुट करेंगे ए एंड द. सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक. दिस इज़ योर होमवर्क. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज सरोज. नाउ टुडे स्टूडेंट्स वी विल जस्ट डू द रिविजन पार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 to 6. So see the literature section.
पहले देखिए बच्चों, इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने आपको हर एक चीज़ जो है विद हिंदी मीनिंग सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं और उनका बताया है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको आंसर्स समझा देती हूँ और बता देती हूँ, और आपको ये अपने एंड पे खुद करना है। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन, व्हाट डज द बैलून मैन नेवर थिंक ऑफ। जो बैलून मैन होता है वो किस किस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचता। तो जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि बैलून मैन जो है हमेशा जो है अपने बैलून्स लेकर के चौराहे पे खड़ा होता है और वो बेचने के लिए आवाज़ें लगाता है, और यहाँ तक कि वो इतना बिजी होता है अपने बैलून बेचने में कि वो दोपहर को खाना भी नहीं खाता है। यानी कि सुबह से लेकर के जब तक वो आता है और जब तक उसके बिक नहीं जाते, ही ऑलवेज रिमेन स्टैंडिंग। सो इसमें आपको क्या लिखना है कि द बैलून मैन नेवर थिंक ऑफ टेक रेस्ट, नेवर थिंक ऑफ अबाउट हिज फूड एंड हिज रेस्ट एंड अबाउट हिमसेल्फ। तो ये इसमें आपको लिखना है कि द बैलून मैन नेवर थिंक ऑफ हिमसेल्फ टू रेस्ट, ही ऑलवेज कीप स्टैंडिंग टू सेल द बैलून्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, हाउ डिड द स्नेल हेल्प द एलिफेंट इन ट्रबल। कि स्नेल ने जो है हाथियों को मुसीबत से कैसे बचाया। तो जैसे आपने इसे स्टोरी में पढ़ा था कि स्नेल को, जब स्नेल कहता है हाथी को कि आप ध्यान से पैर रखिए मैं नीचे हूँ, तो हाथी जो है अपना पैर नीचे पीछे हटा लेता है और उसकी जान बख्श देता है। तो स्नेल जो है बुश के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, तो मेरी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो बेझिझक आप मुझे याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है हाथी उस टाइम हंसता है कि आप तुम मेरी क्या मदद करोगे। लेकिन जो है वो स्नेल एक छोटा क्रिएचर होने के बावजूद भी स्नेल ने जो है क्या किया, जब स्नेल ने देखा कि हाथी के जो तीनों हाथी थे वो जो है मनुष्य द्वारा बनाए गए बाड़े में जो है फंस जाते हैं, और उनकी आवाज़ सुन के वो स्नेल वहाँ जाता है और वो ऊपर जो है चढ़ के उनको कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ। तो हाथी के वो तीनों हाथी कहते हैं कि हमारा झुंड जो है पास ही थोड़ी दूर पहुँचा होगा, और उनको अगर ये पता चल जाता है तो वो जो है हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उस ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारा मैसेज तो वहाँ भेज सकता हूँ ना। तो हाथी कहता है कि तुम कैसे भेजोगे, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम वहाँ पर पहुँचने में तुम काफ़ी दिन लगा दोगे। लेकिन जो है हाथी वो स्नेल जो है वो बड़ी मुश्किल से बिना रुके अपना टाइम बिना वेस्ट किए जहाँ हाथियों का झुंड था वहाँ जा कर के वो जो है ऊपर चढ़ के फिर वहाँ से गुजरते हुए हाथी के जो है लीडर को बताता है और कहता है कि तुम्हारे जो है तीन हाथी जो है ऐसे पीछे रह गए हैं जो कि बाड़े में फंस चुके हैं। तो उनको फिर जो है मैसेज वहाँ तक पहुँचाता है एंड दे जो हर्ड है जो एलिफेंट का वो वापस आता है और सभी मिल करके जोर लगा के उस बाड़े को तोड़कर उन तीनों हाथियों को जो है बचा लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि हाउ डिड द स्नेल हेल्प द एलिफेंट इन ट्रबल। तो आपको इसमें यहाँ लिखना है कि द स्नेल हेल्प द एलिफेंट इन ट्रबल बाय सेंडिंग देयर मैसेज टू देयर लीडर हु हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। इस छोटी सी दो लाइन आपको इसमें लिखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, थ्री, व्हाट प्रॉब्लम डिड सिगमंड रेज। यानी कि सिगमंड ने क्या प्रॉब्लम जताई, हु केम आउट विद द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के लिए कौन आया। तो सिगमंड ने क्या बताया कि जो भी हम यहाँ से गड्ढा खोद रहे हैं तो वो जो है उस गड्ढे की जो मिट्टी निकलेगी हम मिट्टी का क्या करेंगे। ये उनकी प्रॉब्लम थी कि ये जो अभी हमने खोदा है गड्ढा इसकी मिट्टी के लिए हम क्या करें। तो उसकी मिट्टी के लिए दूसरा गड्ढा खोदें, और फिर जब दूसरा गड्ढा जो खोदा गया तो फिर उसकी मिट्टी का क्या करें। तो ये है उसकी प्रॉब्लम, उसने ये प्रॉब्लम रेज की, और हु केम आउट विद द सॉल्यूशन, और किसने ये सॉल्यूशन निकाला। सो स्टूडेंट, आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है, यू हैव टू जस्ट रीड द ये बुक्स हैं आपके पास, आपका चैप्टर भी है और मैंने आपको बताया भी हुआ है। सो यू हैव टू राइट द आंसर। नंबर फोर देखिए, व्हाट डिड द
अनॉय डिमिनोर शो, उसने क्या बताया? जो दूत आया था, राजदूत आया था दूसरे राज्य का, उसने क्या दिखाया? तो उसने क्या दिखाया था बेटा, जैसे वो आया तो उसने ना तो कुछ लेटर दिया, ना ही कोई मैसेज बताया और ना ही कुछ कहा। वो चुपचाप उसने क्या किया, ही जस्ट ड्रॉ अ लाइन, राउंड लाइन फ्रॉम अ रोड विच वॉज जस्ट कैप्ट आउटसाइड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ही जस्ट मेक अ राउंड अराउंड द थ्रो। तो इस तरह का उसने जो है ये बनाया था। तो ये आपको उसमें बताना है वो क्या शो करना चाहता था। He just want to show that he want to just do the cover his old kingdom. अब 5 का देखिए, What wicked plan did the king make to get rid of the auspicious elephant? जो वो चमत्कारी हाथी था उससे छुटकारा पाने के लिए राजा ने कौन सी चाल चली? तो इसमें आपको बताना है बच्चों कि राजा ने क्या चाल चली थी। राजा ने चाल चली थी कि मैं हाथी को ऊपर माउंटेन में चढ़ाकर उसको जो है ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि वो वहां से वाटरफॉल में गिर जाए और लोगों को लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। सो इस चीज़ का आंसर आपको उसमें लिखना है। अब भी देखिए, राइट ट्रू फॉर द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसका देखिए, फर्स्ट The elephant catchers caught 3 elephants and left the forest happily. तो इसमें कह रहा है कि जो हाथी पकड़ने वाले थे उन्होंने 3 हाथियों को पकड़ा और वहाँ से खुशी खुशी चले गए। ये फॉल्स है। पकड़ा ज़रूर था लेकिन उनको उसके जो है झुंड ने छुड़ा लिया था। नंबर 2, द रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ मोल्स वर लेजी, कि जो मोल्स में रहने वाले, जो आइलैंड में रहने वाले जो मोल्स थे वो लेजी थे। ये फॉल्स है, वो लेजी नहीं थे, देवर हार्ड वर्कर। नंबर 3, द अनॉय हैड ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम द एम्परर फॉर द किंग, जो दूत था वो अपने राजा से एक लेटर लेके आया था राजा के लिए। ये गलत है, वो कुछ नहीं लेके आया था, ना ही कुछ उसने बोला। उसने सिर्फ अपनी पॉकेट से निकाल के रॉड को एक राउंड शेप बनाई थी बस। द फोर्थ देखिए, द इसलिए ये फॉल्स है। फोर्थ का देखिए, द किंग ऑफ वाराणसी डिड नॉट गिव शेल्टर टू द ऑस्पिशियस एलिफेंट। वाराणसी का जो राजा था उसने जो है ऑस्पिशियस को, जो एलिफेंट था उसको शरण नहीं दी। तो ये फॉल्स है। दे अलाउड हिम टू जस्ट कम इन द गार्डन। अब फिफ्थ का देखिए, द पुअर मैन्स सर्विस इज ग्रेटर देन द रिच मैन्स हेल्प। उस जो है गरीब आदमी की जो सर्विस थी वो रिच मैन की मदद से ज़्यादा कीमती थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने जो है पुअर मैन ने पोएट की जो है दिन रात हेल्प करके उसको ठीक किया था। सो दिस इज द ट्रू। अब देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको करेक्ट वर्ड चूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। बट द एलिफेंट्स वर वरी, इसमें वरी आएगा, एंड दे हैड मूव्ड ऑफ। अब जो है हाथी जो है वरी थे इसके प्रति और वो आगे निकल गए। दे रब्ड देयर चिन्स एंड स्क्रैच द देयर हेड्स। उन्होंने अपनी चिन को सहलाया और अपने सरों को हिलाया कि किस समस्या का समाधान कैसा होगा। नंबर 3 देखिए, द किंग wondered what the Inoue had to say. अब किंग जो है राजा इस चक्कर में पड़ गया कि क्या कहना चाहता है ये दूत। और फोर्थ का देखिए, however in most of the houses they were received a puzzled a stare. most of houses में क्या था, puzzle था stare का। अब देखिए fifth, the king followed him with his routine. किंग ने अपने जो है डेली का जो रूटीन था कि वो चक्कर लगाता था अपने पूरे कंट्री इसका राज्य का, तो इस तरह से ये इसमें आएगा।
रूटीन। सो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से लेके सिक्स चैप्टर तक के जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस हैं, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है और क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको समझा दिया है और बता दिया है। अब स्टूडेंट, दीज क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सो स्टूडेंट, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 जीके। चैप्टर नेम इज डू वी नो देम, क्या आप इनको जानते हैं या क्या हम इनको जानते हैं। Here some animals are given, you have to find out their name. Our first is, it is small animal, it attacks and kills snakes, snakes होता है सांप। Where it finds them, जहाँ इनको सांप दिखते हैं इनको मार देते हैं। Answer is mongoose, that is the picture of mongoose. Next, it is an Australian bear, like animal that, ये bear की तरह दिखता है, lives on tree tops और जो पेड़ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे रहते हैं। इस स्पीड ऑन यूकलिप्टस, ये होता है सफेदा, लीव्स एंड बर्ड्स, ये किस चीज़ को मींस खाते हैं, सफेदे की पत्तियों को और बर्ड्स को। आंसर इज कोआला, दैट इज द पिक्चर ऑफ कोआला। नेक्स्ट इज, इट इज नोन एज बारासिंगा एंड फाउंड इन द तराई रीजन्स ऑफ इंडिया, इट्स नंबर हैज बीन रिड्यूस ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। हैबिटेट होता है इनके जो रहने का स्थान होता है वो, उनको नष्ट कर दिया गया है इसलिए इनकी संख्या कम होती जा रही है। आंसर इज स्वैम्प, दैट इज द स्वैम्प। और नेक्स्ट इज फोर्थ, Once it was widespread on the entire Tibetan region, ये Tibetan region होते हैं in north of Himalayas के जो north में हैं वहाँ मिलते हैं। It grazes on the grasses and herb and lichens, क्या होती है काई, and survive in the winter months by eating coarse grass, means जो मोटी घास होती है उनको खा के ये अपना पेट भरते हैं। It kills in it thirst विथ स्नो एंड आइस, और ये अपनी प्यास किससे बुझाते हैं, आइस और स्नो से। आंसर इज विल्ड याक, जो विल्ड याक होता है ना वो होता है। नेक्स्ट, इट इज लार्ज कार्निवोरस सी एनिमल्स फाउंड इन आर्टिक रीजन, इट हैज टू लॉन्ग टस्क, टस्क होती है सूंड एंड ए थिक हैवी नेक, और एक बहुत भारी गर्दन होती है। आंसर इज वायरलेस, ये एक दरियाई होड़ा की तरह दिखते हैं, दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट एनिमल्स। नेक्स्ट, इट इज स्मॉल एनिमल रिजेंबलिंग ए रैकून, मीन्स ये रैकून एक जानवर होते हैं जो डॉग की तरह दिखता है। इट फाउंड इन माउंटेन्स रीजन फ्रॉम नेपाल थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कहाँ पे मिलते हैं, ईस्टर्न इंडिया और नेपाल के नॉर्थ में। आंसर इज रेड पांडा, दैट इज द रेड पांडा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज ए लार्ज रेप्टाइल, रेप्टाइल क्या होते हैं जो धरती में चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। इट इज फाउंड इन द आइलैंड ऑफ कोमोडो इन इंडोनेशिया, आंसर इज ड्रैगन, ड्रैगन क्या होते हैं अजगर। और लास्ट क्वेश्चन इज, इट इज स्मॉल रिलेटिव ऑफ डायनासोर्स फाउंड इन द सेंट्रल अमेरिका एंड इंडोनेशिया, कहाँ पे मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड इंडोनेशिया में। इट्स लेग्स एंड टेल आर वेरी शॉर्ट, इट्स नॉट, स्नॉट होता है जो मुंह के आगे वाला हिस्सा होता है। इट लाइक ए थिक शॉर्ट एंड ट्रंक, इट यूजेस स्नॉट फॉर पुटिंग लीव्स इन इट माउथ, और स्नॉट में ये क्या रखते हैं, लीव्स को रखते हैं, पत्तों को रखते हैं खाने के लिए। टैपीर, ये डायनासोर या सूअर की तरह दिखता है। आंसर इज टपीर। डियर स्टूडेंट, फिल दिस आंसर इन योर बुक, इफ यू हैव नो बुक देन राइट इन योर नोट बुक। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव फॉरवर्ड, टुडे वी स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, शेड द डिजायर पार्ट ऑफ द बिलो गिवन पेयर्स। अब यहाँ पे क्या करना है हमें,
पार्ट्स को शेड करना है। फर्स्टली अब हमने फोर्थ क्वेश्चन में क्या करा था, वहां पे शेडेड पार्ट थे और हमने क्या करा था, उनका फ्रैक्शन लिखा था और यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्शन गिवन है एंड हमें शेड करना है। तो रूल क्या था हमारे पास, जितने टोटल पार्ट है उनको हम कहाँ लिखते थे, डिनोमिनेटर में, और जितने शेडेड पार्ट थे उनको कहाँ लिखते थे, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं हमारे पास, द नंबर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है हमारे पास, ये जो डिवाइड का साइन होता है हमारे पास, ये से डिवाइड का साइन ही बोलते हैं इसको वैसे हम, ठीक है। तो जो अबव होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के वो होता है न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे 6 पार्ट्स है टोटल, तो 6 हो गए। अब उनमें से कितने पार्ट शेडेड है, 5। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 पार्ट्स को शेड करना है। सो 3 ये हो गए एंड 2, ठीक है। सो 5 पार्ट्स आर शेडेड एंड दिस विल बी द फ्रैक्शन। तो अब अगर हम इस शेडेड पार्ट से अगर फ्रैक्शन भी बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्टली टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 नीचे आ जाएगा, और ऊपर कितने पार्ट्स होते हैं, जो न्यूमरेटर में क्या होता है, जो शेडेड पार्ट होता है, शेडेड कितने यहाँ पे 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है 7/15। तो फर्स्टली यहाँ पे टोटल हमारे पास 15 पार्ट्स ही है, ठीक है। अब उनमें से हमें क्या करना है, 7 पार्ट्स को शेड करना है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक ही लाइन में वो करें, हम किस इनमें से कितनी भी 7 बॉक्स को क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमने क्या करा, ये 3 पार्ट्स शेड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 1 पार्ट ये कर दिया शेड। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है, आपको जैसे करना हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। सो 4 ये हो गए और 3 ये, तो 7 पार्ट्स हो गए शेड। तो क्या हो गया, अब ये फ्रैक्शन बन गया, 7 पार्ट शेडेड एंड टोटल पार्ट्स कितने, 15। सो 7/15 इज द राइट फ्रैक्शन फॉर दिस फिगर। नाउ नेक्स्ट इज 3/4। नाउ 4 पार्ट्स, तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि टोटल 4 ही पार्ट्स है और उनमें से कितने पार्ट शेडेड है, 3। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे। तो कोई भी एक पार्ट छोड़ सकते हो, मतलब कोई भी एक यहाँ पे बॉक्स जो है 4 जैसे है, तो इनमें से एक किसी को भी हम खाली हो कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स को क्या कर दिया है, शेड। और फ्रैक्शन क्या हो गया इससे, अब हमारे पास यहाँ पे द फ्रैक्शन विल बी, टोटल पार्ट्स है 4, सो डिनोमिनेटर में 4 आ गया एंड द शेडेड पार्ट्स आर 3, सो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 3, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 2/3। तो टोटल पार्ट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 3 पार्ट्स ही है, उनमें से क्या करना है, अब हमें 2 पार्ट्स शेड करने हैं। तो इनमें से कोई भी 2 पार्ट्स हम शेड कर सकते हैं, 1 एंड इसी को ही कर लेते हैं 2, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दोनों पार्ट्स होते हैं, इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं और दूसरे किसी और को हम खाली हो कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें शेड करना है जितने पार्ट्स उन्होंने गिवन है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले होंगे या नीचे वाले होंगे, ठीक है। सो अगर हम इसको फ्रैक्शन को खोलना चाहेंगे तो क्या हो गया, टोटल पार्ट इज 3, सो डिनोमिनेटर में 3 आ गया एंड शेडेड पार्ट्स आर 2, सो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2, ठीक है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है बाय राइटिंग द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का अब हमें पता था, न्यूमरेटर क्या होता है, द नंबर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज डिनोमिनेटर। मतलब हमारे पास जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पे ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये है, इसके अबव वाला क्या होता है न्यूमरेटर एंड बिलो वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 2, ठीक है, और नंबर लाइन के बिलो, सॉरी नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर इज 5। सेम लाइक इसमें भी क्या होगा, न्यूमरेटर इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 17, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूमरेटर इज 8 एंड द डिनोमिनेटर इज 15 एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 9। So that is about the exercise 5.1. So what we have read in this exercise is what is fraction? Fraction क्या होता है, अब हमारे पास इस form में अगर हो तो वो क्या होता है हमारे पास fraction. Then हमने क्या करा था कि किसी भी एक total collection का part given हो हम कैसे निकालते थे, कोई भी part given होता था उसके साथ off होता था, off का मतलब क्या होता था, multiply,
तो कोई भी पार्ट, जितना भी उसका पार्ट गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, टोटल कलेक्शन से, ठीक है। देन हमारे पास क्या था कि अब हमें पिक्चर से और उसके बाद उसके पार्ट्स, पिक्चर ड्रो करनी थी एंड देन उसके पार्ट्स निकालने थे, वो भी क्वेश्चन हमने कर लिया। देन क्या था कि हमारे पास पिक्चर गिवन थी, उनमें शेडेड पार्ट थे और उससे हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन, ठीक है। और आज हमने क्या वो करा है कि अगर हमारे पास सिर्फ फ्रैक्शन गिवन है तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, शेडेड पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सम रूल्स बिफोर द एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ उसका क्या, अब हमारे पास रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। अभी तक हम क्या करते थे, होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, देन हमने क्या करा था, इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे डिनोट करा था। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को अब हम कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो फर्स्टली क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे सपोज यू वांट टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/2, मतलब अगर हमें 1/2 को क्या करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक जीरो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन वहां पे मार्क कर लेंगे एक जीरो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम टू रिप्रेजेंट 1/2 ऑन द नंबर लाइन यू मार्क स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हमने जीरो स्टार्ट करा द पॉइंट 1/2 एंड 2/2 एट इक्वल डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट। अब यहां देखो, यहां टू है तो हम यहाँ क्या करते हैं, 1/2 एंड 2/2, इन केस यहाँ पे 1/3 होता तो हम कैसे करते, जीरो लेते हैं देन 1/3, 2/3 एंड 3/3, तीन पॉइंट्स मार्क करते हैं, क्योंकि अब हमें देखो यहाँ पे क्या बन गया, 3 और 3 इससे क्या बन गया 1, और हमें पता नंबर लाइन पे 0 1 ऐसे करके होते हैं नंबर्स, उनके बीच के जो नंबर्स होंगे उसको हम कैसे निकाल फाइंड आउट करेंगे, यू, ठीक है। इन केस यहाँ पे होता है 3/4, ठीक है, जैसे यहाँ पे है 3/4 है जैसे, तो हम फर्स्टली क्या लिखा है उसको, जीरो, देन हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट ये पॉइंट मार्क करा है उसको क्या लिखेंगे, 1/4, देन 2/4, देन 3/4 एंड 4/4 हो गया हमारे पास ये, ठीक है। तो ऐसे हम जितने पॉइंट्स होते हैं उतने पॉइंट्स मार्क कर देते हैं 1 तक। अब यहाँ पे सिर्फ 1/2 था तो 1/2 हुआ, देन 2/2 और 1 ही आ गया हमारे पास, तो सिर्फ 2 पॉइंट हुए, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे अगर 3/4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, पहले 0 फिर 1/4 आएगा, देन दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2/4, देन थर्ड पॉइंट इज 3/4 एंड फोर्थ पॉइंट इज 4/4, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो कहाँ तक लेके जाएंगे हम उसको, जहां तक अब हमारे पास 1 ना बन जाए, ठीक है। इन केस होता 4/5, ठीक है, तो हम क्या करते, 0 से स्टार्ट करते, देन अगला पॉइंट कौन सा होता हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट इज 1/5, देन नेक्स्ट पॉइंट इज 2/5, मतलब हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर हम सेम रखते हैं और न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, 1, 2 और अप टू सो ऑन दैट नंबर, डिनोमिनेटर वाले नंबर तक हम लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो अब हम न्यूमरेटर को कहाँ तक लेके जाएंगे, 5 तक, ठीक है। इन केस डिनोमिनेटर अगर 6 होता तो न्यूमरेटर को कहाँ तक लेके जाते, 6 तक, 1 से काउंट करके कहाँ तक लेके जाते, 6 तक, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, 1 बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो, वी डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट बिटवीन 0 एंड 1 इनटू 4 इक्वल पार्ट, द थर्ड पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ 0 रिप्रेजेंट 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इनको 4 इक्वल पार्ट्स में क्यों करा है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज 4, यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्यों करा था, क्योंकि डिनोमिनेटर इज 2, ठीक है। ओके, सो ब्रेन वेव को जो हमारे पास, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ देखो, 0 और 1 के बीच में हमारे पास इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब क्या होता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उतने फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास, हमने जितने भी फ्रैक्शन बना सकते हो आप, पॉसिबल जितने भी है, 1/100, ठीक है, हम ये भी बना सकते, ये भी इसी के बीच आएगा, ठीक है, 1/1000, ये भी क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि अब यहाँ देखो, यहाँ 1/1000 है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1/1000 और कहाँ तक लेके जाएंगे, 1000/1000 तक, जहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 1, क्योंकि हमें 0 और 1 के बीच में ही फ्रैक्शंस लेने हैं, तो वहां तक कितने हो गए, 9, कितने पार्ट्स हो गए उसके, 1000 पार्ट्स हो गए, जो डिनोमिनेटर में होते उतने पार्ट्स होते, तो हम डिनोमिनेटर में अप टू इनफिनाइट नंबर ले सकते हैं, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और 1 के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ
फ्रैक्शंस आर एग्जिस्ट. ठीक है, वी कैन नॉट शो ऑल ऑफ देम प्रैक्टिकली ऑन द नंबर लाइन. अब यहाँ देखो, हम कुछ हद तक तो क्या कर सकते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ही बड़े नंबर हो जाते हैं तो हम उनको ड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारी नोटबुक भी फिल हो जाएगी. ठीक है, सो क्या होगा, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वी कांट शो ऑल ऑफ देम ऑन द इन आवर नोटबुक. ओके, प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते हैं, बट वैसे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2. थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे.